हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकोनॉमिक्स। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्रॉस सब्सिडी। सो बिफोर गोइंग इनटू मच डिटेल्स अबाउट क्रॉस सब्सिडी, लेट मी क्लियर यू द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सब्सिडी वो कोई भी फाइनेंशियल हेल्प होती है, राइट? वो फाइनेंशियल हेल्प जो हमारी गवर्नमेंट हमें करती है, सो दैट वो लोग जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो भी कंजम्पशन कर सके अपने लेवल पर, राइट? आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सब रन कर रहे हैं। सो ये सब रन कर रहे हैं और ये हर किसी को सर्व करते हैं, वो भी बहुत मिनिमम रेट पे। उसी चीज़ को हम सब्सिडी कहते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है किसी भी चीज़ को लेकर के। सो दैट इज नोन एज क्रॉस, दैट इज नोन एज सब्सिडी। सो आज के टॉपिक में हम समझने वाले थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। पहले मैं आपको इसका एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि कॉमन लोगों के लिए क्रॉस सब्सिडी क्या है। देन हम बात करेंगे कि ये कैसे इकोनॉमिक्स में, राइट, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर को, कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, इन सबको हेल्प करता है, ठीक है? तो अगर मैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? A situation in which profits from one activity are used to pay for another activity, that is losing money or making less money. मतलब आपके supposedly दो business हैं। अब एक business में आपको बहुत अच्छा profit हो रहा है, जबकि दूसरे में नहीं हो पा रहा। और due to any reason you don't want to shut down your operations of that business. So आप क्या करोगे? जहाँ से आपको अच्छा profit आ रहा है, right? जहाँ से आपका अच्छा profit आ रहा है, आप उस प्रॉफिट से राइट ऑफ करने की कोशिश करोगे उन लॉसेस को जो दूसरे बिजनेस में आपको हो रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अपना ही एग्जांपल लिया मैंने। मान लो मैंने कहा कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और साथ में मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो मैंने कहा है कि मेरे को एक प्रॉफिट हो रहा है यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके से ₹1 करोड़ पर एनम, ठीक है? दिस इज माई मैनिफेस्टेशन। ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा, ये तो मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। बट ड्यू टू मोर कंसेंट्रेशन ऑन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, क्योंकि अब मैं ज़्यादा ध्यान अपना ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग में दे रहा हूँ, तो फिजिकल लाइक कोचिंग सेंटर पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा एग्जाम्पल के लिए। इसकी वजह से मुझे 10,000 पर मंथ का एक लॉस होना शुरू हो चुका है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, बिकॉज ये मेरा रूट है एंड आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू शट इट डाउन, राइट? मैं नहीं चाहता, मुझे पता है कि अभी हो रहा है लेकिन आने वाले कुछ 4-5 महीनों में मैं सेटल डाउन हो जाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, नया काम करें तो वहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, एनर्जी सारी वहां जाएगी, तो यहां से हो सकता है थोड़ा सा लॉस हो भी रहा है, नो इश्यूज। तो मैंने क्या किया, वहां के 1 करोड़ के प्रॉफिट से ये कितना होगा, ये साल का 1,20,000 राइट ऑफ हो सकता है, मैंने राइट ऑफ कर दिया। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्रॉस सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडाइजेशन, राइट? सो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी से समझ में आ जाती है चीजें। लेकिन लेट्स टॉक के इकोनॉमिक्स प्लेस की क्या इंपॉर्टेंस है। और ये तो मैंने आपसे बहुत बहुत लेमैन वाली बात एग्जांपल कर लिया, लेट्स सी कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये कहां कहां पे कैसे कैसे यूज होता है, राइट? उससे पहले मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। आप एक पिक्चर देखें, ये एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जिसपे यूनिट रेट, मतलब पर यूनिट चार्जेस आपको दिख रहे होंगे 8.5 है। वाइल ऑन दी अदर हैंड आप एक और इलेक्ट्रिसिटी बिल देख रहे हैं जिसपे आपको पर यूनिट रेट ₹3 दिखाई दिया है। ये प्रॉपर क्लियर नहीं है, मैं इन दोनों को क्लियरली लिख देता हूँ। इट इज 8.5, राइट, एंड दिस इज 3, ठीक है? आपके घर पे बिल होगा जरूर, अगर दिल्ली से आप गए तो आप इस बिल को देखना, आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बिल किसका है। ये जो बिल है ये एक आप कह सकते हो एक कमर्शियल एक्टिविटी का है। कमर्शियल एक्टिविटी आप समझते होंगे वो कोई भी एक्टिविटी जहां से आप कुछ अर्निंग के पर्पज से काम कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हैं चाहे गुड बना रहे हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटी होती है। कोई भी काम कर रहे हो जहां से पैसा आ रहा है। जबकि ये जो बिल है ये रेजिडेंशियल बिल है। रेजिडेंशियल मीन्स जो हाउस होल्ड का बिल होता है। तो यहाँ पे ₹3 पर यूनिट, यहाँ पे ₹8.5 पर यूनिट, राइट? ऐसा क्यों है? ये तो फिर जो लोग होंगे, जो मुझ जैसे लोग होंगे जो कि कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें तो बुरा लगेगा बहुत ज्यादा कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमसे ज्यादा ले रहे हो, राइट? इस बात का बहुत बुरा फील होगा कि भाई मेरे को तो तुम मेरे से ₹8.5 और उससे ₹3 ले रहे हो, राइट?
सो इसी चीज को समझने के लिए हमें क्रॉस सब्सिडाइजेशन को समझना होगा, राइट। सो देखते हैं व्हाट इज क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मैं अब बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्रॉस सब्सिडाइजेशन या फिर क्रॉस सब्सिडी हम किसे कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर। बात सारी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बोला गया कि इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर वाला जो पार्ट है उनसे कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं करती, ठीक है। और हाउस होल्ड का बिल मैंने आपको दिखाया वो 3 रुपये आता है। ऐसा क्यों होता है? इसी को क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। नाउ व्हाट इज क्रॉस सब्सिडी? कमर्शियल यूनिट से ज़्यादा तुमने चार्ज किया, मतलब जितना भी सेलिंग प्राइस है तुमने उससे ज़्यादा में उसको बेचा, ठीक है। जिससे कि मान लेता हूँ जो डिस्कॉम्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उनको एक अच्छा पैसा आया। अब इस पैसे से, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा उनसे लिया गया, इस पैसे का यूसेज किया जाएगा किन के पास? इस पैसे का यूसेज किया जाएगा उन सेक्टर्स के पास, मतलब वो जो सेक्शन है आपका, जो पुअर सेक्शन है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको सब्सिडी देने के लिए यूज किया जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी मतलब एक से सेलिंग प्राइस से अबव चार्ज करना, जबकि दूसरे को सेलिंग प्राइस से बिलो देना, क्योंकि इससे आपने एक अच्छा रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू को राइट ऑफ किया आपने यहाँ पे ले जाके। एंड दैट इज हाउ इट यूज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो लिखा हुआ देखो क्रॉस सब्सिडी मीन्स अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स पेइंग मोर देन द जनरल कॉस्ट ऑफ सप्लाई। जनरल कॉस्ट ऑफ सप्लाई से ज्यादा वो लोग दे रहे थे, एंड दस दिस सरप्लस इज यूज्ड टू मेक अ प्रोविजन फॉर सब्सिडी। इसका मतलब है, तो फिर क्या होता है, ये एक तरह से प्रोविजन बनाता है किसके लिए? सब्सिडी के लिए। किसके लिए? टू दी अदर ग्रुप एट लोअर प्राइस देन द कॉस्ट ऑफ सप्लाई। ये एक प्रोविजन बनाता है किसके लिए? अदर ग्रुप के लिए, ताकि उनको जितना भी कॉस्ट ऑफ सप्लाई है उससे कम रेट पे सब्सिडी, सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सके। ऐसा फ्रेंड्स क्यों होता है? सो दैट हर सेक्शन के लोग कंजम्पशन कर सके, चाहे वो पुअर हो चाहे वो मिडिल हो, और रिचर तो ऑब्वियसली बात है कर ही रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज का एक बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा लिंक है किससे? एक कॉन्सेप्ट से विच इज क्रॉस सब्सिडीज कॉमनली यूज टू रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है उन्हें डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, जो नहीं है मैं उनकी बात कर लेता हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? इकोनॉमिक्स में देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी वही होता है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग रेट पे बेचने की प्रैक्टिस को ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, रेलवे वही सीट होगी लेकिन 60 अबव के लिए अलग रेट, बच्चों के लिए अलग रेट, और जो हमारे एज ग्रुप में है उनके लिए एक अलग रेट रहता है ना। इसके अलावा BSES इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको दिखाई दिया कि कमर्शियल पर्पज के लिए अलग, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अलग। इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? इस प्रैक्टिस को इकोनॉमिक्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जब एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेचा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं कि हम कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या यूज कर लिया? क्रॉस सब्सिडी यूज कर लिया, ठीक है। आगे इन द सेंस दैट कंज्यूमर्स हु आर चार्ज्ड हाई मार्कअप मे बी कंसिडर्ड टू सब्सिडाइज दोस हु पे लोअर मार्कअप्स। मतलब वो कंज्यूमर जो हाई मार्कअप देते हैं उन्हीं के हाई मनी से, मतलब उन्हीं से एक्स्ट्रा जो मनी ली गई उस मनी से सब्सिडाइज किया जाता है किनको? उन कस्टमर्स को जो शायद पे नहीं कर पाते। सो दैट इज द आइडिया ऑफ क्रॉस सब्सिडी। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो मैंने आपको बता ही दिया यूज होता है। उसके अलावा देखो फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर भी इसे यूज करता है। आगे से कभी फाइनेंशियल सेक्टर की कोई सर्विसेज देखो तो एक टर्म आएगी फ्रंट बुक एंड बैक बुक, कंफ्यूज मत होना। फ्रंट बुक का मतलब है जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उन नए कस्टमर्स को अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को कम रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे दो, जबकि पुराने तो जिस रेट पे चले गए वो तो चले गए। तो वो लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं फ्रंट बुक बैक बुक। एयरलाइंस भी यूज करता है, बाकी इंडस्ट्रीज अपना कोई भी नया प्रोडक्ट निकालती हैं, आपको पता है कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो सस्ते में देना, ठीक है। अब जैसे नेटफ्लिक्स ने अभी कोविड के टाइम पे अपने चार्जेस कम कर दिए थे, क्रॉस सब्सिडी है, पहले उतने लोगों से उसने 800 साढ़े 800 1000 रुपए के हिसाब से कमा लिया,
अभी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स क्या किया, थोड़ा सस्ते में बेच दिया। तो ये तो एक बहुत लीगल प्रैक्टिस है जो आपको बहुत कॉमनली बहुत ऑफ्टनली देखने को मिलेगी हर जगह पे। आप देखते एकदम सैंपल निकाल रहे हैं जी फ्री में, क्यों निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि अट्रैक्ट टू मोर कस्टमर। तो वहां से एक जगह से कमाएंगे दूसरी जगह लगा लेंगे ताकि वो दोनों जगह से अर्निंग एक टाइम पे बराबर हो जाए। रेलवे भी इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, यूज होता ही होता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ क्रॉस सब्सिडी और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि ये प्रैक्टिस लीगल है क्या, ऑफकोर्स लीगल है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के केस में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इसको लीगलाइज करता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में गवर्नमेंट ने बाद में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें ये जरूर कहा है कि धीरे धीरे करके ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन के परसेंटेज को कम किया जाएगा। मतलब क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट ही सारा पैसा पे करें, क्यों ही कमर्शियल एक्टिविटी सारा पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया किया भी जाएगा। इवन अभी जो ट्रांचेस आए हैं गवर्नमेंट के 5 ट्रांचेस आए हैं, उन ट्रांचेस में भी गवर्नमेंट ने इस बारे में कहा है। बाकी सब्सिडी के बारे में बिल्कुल डिटेल वीडियो आप आई पर बटन प्रेस करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल for the latest updates regarding economics as well as the static economics as well. Thanks for watching.